मुंबई में रिटायर्ड नेवी अधिकारी की पिटाई के मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर शिवसेना पर भड़क उठे। अनिल विज ने शिवसेना को लेकर बड़ा तंज कसा और कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं गैंग काम कर रही है। अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और गुलाम नबी आजाद को पद से हटाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। देखिए, कोरोना से सारे विश्व में असर पड़ा है और राहुल गांधी की इतनी बड़ी बुद्धि में इतनी छोटी सी बात नहीं आती है कि इससे फर्क पड़ा है और सरकार अपने आप को उससे निकालने के लिए कदम उठा रही है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, ये जीडीपी का 6-7% तक मांग कर रहे थे लेकिन जीडीपी का 10% का पैकेज सरकार ने दिया है देश को आत्मनिर्भर बनाने का। इतना बड़ा प्रयास विश्व के किसी भी और देश में नहीं हुआ है जो नरेंद्र मोदी ने किया है। देखिए, कांग्रेस जो है वो अपने अंतिम दिन गिन रही है और ये पत्र लिखना और ये कार्रवाई करना ये उसी प्रकार से है जैसे अंतिम समय में किसी को लाइफ सेविंग ड्रग्स देने की कोशिश करना। कांग्रेस पूरी तरह से अपने पतन की ओर जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र में जो सरकार नहीं चल रही वहां पर गैंग काम कर रही है और डॉन की तरह, चाहे वो फिर कंगना रनावत की बात हो, उसका घर तोड़ने की बात हो, जहाँ एक अधिकारी के साथ मारपीट की बात हो, ये सारे स्टाइल ये दादाओं के हुआ करते हैं, ये भाइयों के हुआ करते हैं, जो भाई कहलाते हैं अपने आप को, ये उनके होते हैं, ये किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के तरीके नहीं होते। प्रजातांत्रिक सरकार संवैधानिक तरीके से हर काम को करती है।